नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डीबीएमएस पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में बात की थी एंटिटी और एंटिटी सेट की और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स पर। जी हां, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनके क्या मायने हैं, हमको एट्रीब्यूट्स की क्या ज़रूरत है, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चाहे वो ईआर डायग्राम हो चाहे रिलेशनल मॉडल हो, कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कशन करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा तो एट्रीब्यूट्स को लेके जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट वीडियो में भी हमने एंटिटी का या एंटिटी सेट का डिस्कशन करते हुए कई बार एट्रीब्यूट्स की बात की। तो अब एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देखते और फिर डिस्कशन करेंगे। तो डेफिनेशन देखिएगा, एट्रीब्यूट आर द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। तो कोई भी अगर एंटिटी हमारे पास है तो हमको अलग अलग एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप देखिए एक स्टूडेंट एक एंटिटी सेट हमारे पास है और हमको एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्राइटेरिया हमारे पास होने चाहिए। और आप सोच सकते हैं आसान भाषा में एट्रीब्यूट्स ये वही क्राइटेरिया। जैसे फॉर एग्जांपल, हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, एक नाम होगा, एक फोन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा अलग अलग। तो एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से सेपरेट करने के लिए अब एक एट्रीब्यूट आपके पास है, वो कौन है, मान लीजिए रोल नंबर। तो दोनों के रोल नंबर क्योंकि अलग अलग है तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल बात है, आगे देखेंगे। फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड डोमेन। अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं ये सब एग्जांपल आपको दे रहा था, इधर टेबल में देखेंगे तो और आसान होगा। ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, इन सबको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अब हर एट्रीब्यूट का दोस्तों एक डोमेन है। जैसे मान लीजिए रोल नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो अगर स्टूडेंट एक स्टूडेंट का रोल नंबर न्यूमेरिक है तो सबका न्यूमेरिक ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि रोल नंबर है तो कोई और स्टूडेंट उसमें कोई अलग डेटा रख रहा होगा, है ना, सबका डोमेन सेम होना चाहिए। अब आगे समझिएगा रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो एट्रीब्यूट्स को दोस्तों रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग मॉडल में। जब हम बात करते हैं ईआर डायग्राम की तो आप पढ़ेंगे तो इन ईआर डायग्राम दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एलिप्स और ओवल। तो इसको एलिप्स भी बोल सकते हैं, ओवल शेप भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्टली आपको एंटिटी सेट से कनेक्टेड नजर आएंगे। बाद में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स में रिलेशनशिप्स के भी अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं रिलेशनल मॉडल में, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हर एंटिटी सेट के लिए दोस्तों हम बनाते हैं टेबल, ठीक उसी तरह हर एट्रीब्यूट के लिए दोस्तों हम बनाते हैं सेपरेट कॉलम, है ना। इसमें कुछ भी पॉइंट्स होंगे क्योंकि अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो ये एंटिटी सेट से ओवल शेप में कनेक्टेड रहते हैं, जब ये ट्रांसलेट होता है स्ट्रक्चर किसमें दोस्तों रिलेशनल मॉडल में, तब ये कॉलम बन जाते हैं। अब समझिएगा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट क्लासिफाई किया जा सकता है, तो मैं एक एक करके बात करता हूं और उसी के साथ उनके रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंपल या कंपोजिट। अब ये क्या चीज है, तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय अ ओवल। कंपोजिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन सिंपल एट्रीब्यूट ओवल इज कनेक्टेड टू अ ओवल इन दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस बात का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट या मान लीजिए फॉर एग्जांपल रोल नंबर हमारे पास है, रोल नंबर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। रोल नंबर को देख के अपने आप में कुछ इन्फॉर्मेशन समझी जा सकती है, या मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है या एज है। लेकिन अब जब आप ध्यान से देंगे, मान लीजिए नेम हमारे पास है तो हम नेम को दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं फर्दर फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में, लास्ट नेम में। तो इनको हम बोलते हैं कंपोजिट। तो बहुत ही सिंपल बात है, जिस एट्रीब्यूट को हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें उसको हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, और जिसको फर्दर डिवाइड कर सकें। आजकल आप बहुत सारे फॉर्म फिल करते होंगे तो देखते होंगे, जैसे मान लीजिए एड्रेस है वो भी कंपोजिट फॉर्म में आता है। मान लीजिए हाउस नंबर अलग है, लाइन वन, लाइन टू, देन स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड। तो वो सारे एट्रीब्यूट जिनको फर्दर सिंप्लीफाई करके अलग अलग वैल्यू समझी जा सकती है उसको दोस्तों हम बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का फायदा यही है कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को समझना आसान होता है। तो जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया नेम का, तो आजकल आप देखते हैं कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग सबमिट कराया जाता है। एक दूसरा लॉजिक है दोस्तों, अच्छा एक और बात यहीं पर
बात को खत्म करते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, बात तो आप समझ गए, पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ईयर डायग्राम में वैसे ओवल्स जो हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डायरेक्ट रेक्टेंगल से यानी कि एंटिटी सेट से कनेक्टेड होने वाले हैं, लेकिन जब ओवल ओवल से कनेक्टेड हो तो देख के समझ जाइएगा यहां पर कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात हो रही है। वैसे तो बहुत सिंपल बात है क्योंकि नेम से आप देख के समझ रहे हैं कि ये अलग अलग है, तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब भी ओवल ओवल से कनेक्टेड हो इट मींस इट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। एक और बात, जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तब देखिएगा ईआर डायग्राम में ओवल इज कनेक्टेड टू ओवल कंपोजिट हुआ, रिलेशनल मॉडल में आप देखेंगे तब देखिए यहाँ पर नेम नाम की कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर तीन अलग अलग एंट्री हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग हम एट्रीब्यूट्स को डिवाइड कर सकते हैं, जो है सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। वैसे नाम से भी समझ आता है, सिंगल वैल्यूड मतलब जिसकी एक बार में एक इंस्टेंस एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका रोल नंबर है, तो ना क्लास यू कैन नॉट हैव टू रोल नंबर, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहा हूँ, या डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकती, तो अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड ऑफ कोर्स जिसकी एक इंस्टेंस पे एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं, तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जैसे फॉर एग्जांपल फोन नंबर है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, तो आपके पास एक से ज्यादा फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेसेस हो सकते हैं, तो ये बात तो ही बहुत सिंपल। अब आप पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों अगर सिंगल एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल सिंपल ही नजर आता है एक ओवल शेप में और बिल्कुल एक प्लेन लाइन के साथ, लेकिन अगर मल्टी वैल्यूड है तो दोस्तों वहां पे डबल ओवल आपको मिलने वाला है। तो ये पहचाने, देखिए कैसे पहचानना है। अब यहां पर फोन नंबर, पी नंबर स्टैंड्स फॉर फोन नंबर, तो आपको कैसे पता कि फोन नंबर मल्टी वैल्यूड है, बिकॉज़ यहां पर डबल एलिप्स या डबल ओवल आपको नजर आने वाला है। ऑल्दो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये खैर एक कॉम्प्लेक्स काम है, जब मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको सिखाऊंगा इसमें थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, बट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम कॉलम नहीं बनाते दोस्तों, सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है, मतलब कॉलम बनता है लेकिन उस टेबल के अंदर नहीं बनता। ये प्रॉब्लम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, बिकॉज हम जानते हैं कि एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। तो हम करते क्या है, जो हमारा मेन टेबल है जिसका वो एट्रीब्यूट था उसका जो प्राइमरी की है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हुआ रोल नंबर, और जो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है फोन नंबर, उन दोनों को उठा के दोस्तों हम एक नए टेबल में रख देते हैं और उन दोनों को मिला के हम डिक्लेयर करेंगे एज ए की। तो जो नया टेबल होगा यहां पर आप देखेंगे तो रोल नंबर फोन नंबर मिलकर की तरह काम करेगा और हर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम एक सेपरेट टेबल बनाने वाले हैं। देखिए ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ न्यू टेबल सर ऐसा क्यों ना करें कि फोन नंबर वन, फोन नंबर टू, फोन नंबर थ्री ऐसे रख लें, बट आप समझिएगा इसका कोई लॉजिकल एंड नहीं है। मल्टीपल वैल्यू मींस मल्टीपल वैल्यू, वो कितने भी हो सकते हैं, और अगर आप फोन नंबर वन टू थ्री कर रहे हैं तो लॉजिकली सोचेंगे तो वो मल्टी वैल्यू रहा ही नहीं, बिकॉज फोन नंबर वन एक ही वैल्यू है, फोन नंबर टू एक ही वैल्यू है। तो अगर अभी क्योंकि यहां थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारे पास है तो उसके लिए हमें सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है, बट अगर आप इंप्लीमेंटेशन वाइज सोचेंगे ना, आजकल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को कोई खास यूज करते नहीं लोग, जैसे मान लीजिए फोन नंबर के एग्जांपल लें, आपने कभी भी कोई फॉर्म फिल किया हो, कहीं रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो दे लास्ट का फोन नंबर जिसमें स्टार लगा रहता है मींस इट इज मैंडेटरी, और दूसरे वाला होगा ऑप्शनल। अब तीसरा, चौथा, पांचवा फोन नंबर आपके पास हो भी भाई तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बट यहां क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन है तो अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो फिलहाल मान के चलते सेपरेट टेबल हमको बनाना पड़ेगा। तीसरा टाइप दोस्तों हमारा स्टोर्ड और डिराइव्ड, ये भी एक बड़े कमाल की बात है। अब ये स्टोर्ड और डिराइव्ड क्या आइडिया है, स्टोर्ड दोस्तों वो एट्रीब्यूट जो बिल्कुल जिसकी वैल्यू आपको पता है या जो डेटाबेस में स्टोर्ड है। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकते हैं जो समय के साथ चेंज होते हैं, तो हम उनकी वैल्यू स्टोर नहीं रखना चाहते बिकॉज उससे कोई फायदा होगा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एज। अब यहां पर देखिए मैंने इसको, खैर इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड, पहले आप जनरली सोचिए एज की अगर बात करें तो अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई आपकी एज क्या और एक जगह लिख के रख लूं, लेकिन दो साल के बाद जब उसको देखूंगा तो मेरे को नहीं पता होगा कि आपकी करंट प्रेजेंट एज क्या है, क्योंकि एज समय के साथ चेंज होगी, और मुझे यह भी याद रखना पड़ेगा कि मैंने आपकी एज किस दिन पूछी थी। तो एज किसी फॉर्म में फिल कराने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए लोग जान पूछ कर देखिए क्या करते हैं, दे आस्क यू डेट ऑफ बर्थ। तो अब हम क्या मान सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट जो
जो डेटाबेस में स्टोर्ड है और करंट डेट, जिस भी दिन आपको एज चाहिए तो एज में से आप, सॉरी करंट डेट से आप डेट ऑफ बर्थ माइनस करेंगे तो आपको एज मिलने वाली है। तो इसीलिए जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, हम बोलते हैं कि वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट को यूज करके आप डिराइव कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिंपली रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओवल, लेकिन ये डॉटेड ओवल होने वाला है। ये देखते पहचान जाइएगा कि ये बात हो रही है यहाँ पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट की। वैसे ट्रांसलेशन में इसमें कोई खास बात नहीं है, ऑफकोर्स एक कॉलम एज वहां पर होगा रिलेशनल मॉडल के अंदर, एज एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है, बस उसकी वैल्यू जो है वो रन टाइम पे कंप्यूट होगी। आजकल एक और एग्जाम्पल बड़ा पॉपुलर है डिराइव्ड का, जैसा समझिए हम गूगल मैप्स यूज करते हैं कहीं पर जाने के लिए, तो जो डिस्टेंस रिमेनिंग है दोस्तों वो भी एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। सोचिए वो किस किस पे डिराइव्ड होगा, आपका जो डेस्टिनेशन है और फिलहाल जो आपकी करंट पोजीशन है जो जीपीएस से हम निकालते हैं, बिकॉज आपकी पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी डेस्टिनेशन में भी स्टैटिक है, लेकिन उस बेस पे जो डिफरेंस होगा वो भी चेंज होता जाएगा। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि जो फिलहाल डिस्टेंस है दैट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, और वो निकाला किससे गया है, जो आपकी करंट लोकेशन है और जो फाइनल डेस्टिनेशन है। खैर ये एक थोड़ा सा आइडिया था, वैसे आप समझिएगा कन्वर्जन पे हम दोबारा अलग से ध्यान देने वाले हैं, बट एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी सेट की प्रॉपर्टी बताते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं डिवाइड इनको अलग अलग, मान लीजिए डिफरेंशिएट करने के लिए, सिंपल कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड या डिराइव्ड। एक और बात, ऐसा मत मानिएगा कि अगर वो एक क्लास में आ गया तो दूसरी क्लास में नहीं हो सकता। जैसे अब मान लीजिए एड्रेस है, तो एड्रेस को दोस्तों हम सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड में भी मान सकते हैं बिकॉज एक से ज्यादा एड्रेस हो सकते हैं, और एड्रेस को हम कंपोजिट भी मान सकते हैं बिकॉज एड्रेस को आप चाहें तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो या एड्रेस को आप स्टोर्ड भी मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एट्रीब्यूट अगर एक क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो दूसरी क्लास में वो नहीं हो सकता। तो ये सब सेट एक तरीके से डिसजॉइंट नहीं है, एक ही बात को समझने के अलग अलग क्राइटेरिया से डिवाइड करने के। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एट्रीब्यूट्स के बारे में जो डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, उसके अलावा जब एक्चुअल ट्रांसलेशन करेंगे तो बात और अच्छे से आपको समझ आने वाली है। तो मुझे दीजिए बहुत थोड़ा सा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ। और अब दोस्तों नंबर है रिलेशनशिप का, तो एंटिटी सेट, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बाद अब रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, और बहुत मजेदार डिस्कशन होने वाला है। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप का नेम क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिग्री है, कॉर्डिनैलिटी है, कन्वर्जन कैसे होगा, तो सारे के सारे डाउट्स आपको देख के क्लियर होने वाले अगली वीडियो के बाद। तब के लिए धन्यवाद।